कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को जमानत मिल गई है। शनिवार को नार्को टेस्ट कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में भारती के घर पर छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान उनके घर से गांजा बरामद किया गया था। बाद में पूछताछ में भारती सिंह और हर्ष दोनों ने कबूला के गांजे का सेवन वो करते रहे हैं। वहीं इसके पहले कहा जा रहा था कि भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई में आज देरी हो सकती है। सरकारी वकील अतुल सरपांडे ने कहा था कि जैसा कि आज अन्य मामलों में व्यस्त हूं, हम कुछ अन्य तारीखों के लिए अनुरोध करेंगे, लेकिन अब खबर है कि भारती और हर्ष को जमानत मिल गई है। कॉमेडियन भारती सिंह को शनिवार को करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद देर रात उनके पति हर्ष को भी गिरफ्तार किया गया था। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, भारती सिंह और हर्ष को जमानत मिल गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए सुनील, जिस तरह से शनिवार को एनसीबी कार्रवाई करते हुए भारती सिंह और उनके पति हर्ष को जो गिरफ्तार किया था, हालांकि उन्होंने ड्रग्स लेने की बात भी कबूली थी, जिसके बाद ये जो रेड की गई थी वो तो ड्रग्स पेडलर के निशानदेही के आधार पर की गई थी, लेकिन जिस तरह से एनसीबी लगातार ये चाहती थी कि भारती और उनके पति जो है न्यायिक हिरासत में रहे, जिससे एनसीबी लगातार ये जान सके कि ड्रग्स का जो कारोबार है वो कहां तक फैला हुआ है। लेकिन माननीय कोर्ट ने आज जो है भारती और उनके पति को जो है जमानत दे दिया है। ऐसे में एनसीबी लगातार अब छापेमारी करते हुए अन्य पेडलरों की तरफ रुख कर रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में किस तरह की ये प्रक्रिया रही और जमानत मिल गई है, उसके बाद किस तरह की राहत मिलती हुई, क्योंकि मुश्किलें तो शायद कम नहीं हुई हैं, हालांकि राहत जरूर मिली है कि जमानत मिल गई है? देखिए एनसीबी लगातार एक आवाज लगा रही है कि भारती सिंह और उनके पति जो है एनसीबी की हिरासत में रहे, जिससे वो आसानी से पूछताछ कर सके और तमाम जानकारियां जो निकालना चाहते हैं वो निकाल सके। लेकिन माननीय कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए ये कह दिया कि पूछताछ में आप सहयोग करेंगे। उसको लेकर आपको बता दें कि उनके जो वकील है उन्होंने साफ तौर पर दलील दी थी कि भारती सिंह ने सबसे पहली बात उन्होंने कंजम्पशन की बात कबूली है, और रही बात जो ड्रग्स बरामद किया गया 8.6 ग्राम वो कमर्शियल के तौर पे नहीं बल्कि कंजम्पशन के तौर पे था, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय कोर्ट ने जो उनको जमानत दे दी है। जी इस पूरे मामले को अगर देखा जाए सत्यप्रकाश, सिलसिलेवार तरीके से कैसे भारती सिंह के घर पर एक ड्रग्स पेडलर के द्वारा एनसीबी की टीम पहुंचती है, उनको वहां से गांजा बरामद होता है, फिर भारती सिंह को लिया जाता है, उनके पति से भी पूछता है, सिलसिलेवार तरीके से बताएं इस पूरे घटनाक्रम को एक बार दर्शकों को फिर से। देखिए सुनील, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह से जो है ईडी जांच कर रही थी, ईडी ने ही एनसीबी का जो है लिंक निकाला था, उसके बाद ड्रग्स मामले की जांच जो है एनसीबी करने लगी। एनसीबी ने जांच करते हुए जिस तरह से ड्रग्स के जंजाल में फंसा हुआ बॉलीवुड को एक के बाद एक नकाब जो उतारते हुए अब जो है शनिवार को जो है भारती सिंह और उनके पति हर्ष के घर के अलावा उनके दफ्तर मतलब स्टूडियो में भी जो है छापेमारी की थी। इस दौरान उनको ड्रग्स बरामद किया था। आपको बता दें कि ये छापेमारी दो ड्रग्स पेडलर के निशानदेही के आधार पर किया गया था, क्योंकि शनिवार को सुबह ही पहले दो ड्रग्स पकड़े गए थे पेडलर, उन्हीं के निशानदेही के आधार पर जो ये गिरफ्तारी हुई है। हिरासत में लेने के बाद जब एनसीबी से पूछताछ एनसीबी ने किया, उस दौरान उनकी पत्नी आरती सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि हाँ हमने ड्रग्स लिया था और हम गांजा लेते हैं न कि बाकी चीजें। अब ये दो स्पेशल तरह का जो है ड्रग्स होता है जिसको गांजा नाम दिया गया, इस तरह की चीजें हैं। हालांकि एनसीबी के नजरिए से ये अवैध माना जाता है, इसलिए एनसीबी ने दोनों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद उनको जो कोर्ट में पेश किया गया, यहाँ 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई, लेकिन जिस तरह से आज उनके वकील ने दलील देते हुए उनको जमानत दिलवा दिया, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारती सिंह की मुसीबतें तो बिल्कुल कम नहीं हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर लिहाजन अभी थोड़े वक्त के लिए जिस तरह से एनसीबी ने उनको राहत दे दी है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल है उनके लिए। ये जो जमानत मिली है सत्यप्रकाश, ये किस आधार पर उनको जमानत दी गई, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये भी हवाला दिया गया है कि जब जब पूछताछ होगी तो आना होगा अदालत, या फिर एनसीबी ने जो चीजें की है, क्योंकि सत्यप्रकाश इस बीच ये भी देखने को मिल रहा था कि पहले तो ये था कि रिमांड पर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दे दिए गए, और एनसीबी न्याय लगातार ये कहती नजर आ रही थी कि इन लोगों को पहले रिमांड पर लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, माननीय अदालत ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
देखिए सुनील, जब दोनों वकीलों की दलीलें अदालत सुनती है तो इस पूरे मामले पर फैसला लेती है। जिस तरह से भारती सिंह के वकील ने दलील रखी थी कि सबसे पहले भारती सिंह ने अपनी गुनाहों को मानते हुए ये कहा है कि वो ड्रग्स लेती हैं, गांजा लेती हैं, तो जाहिर तौर पर बात यहीं पे कंप्लीट हो जाती है कि भारती सिंह जो है कहीं कहीं एनसीबी की पूछताछ में और एनसीबी जो चाहती है उस पे वो खरा उतर रही है। दूसरी तरफ भारती सिंह के घर से जो ड्रग्स बरामद किया गया है वो कंजम्पशन की श्रेणी में आता है न कि कमर्शियल श्रेणी में आता है। अगर कंजम्पशन की श्रेणी में आता है तो तुरंत बेल मिल जाती है, क्योंकि एनडीपीएस की जो धाराएं हैं वो बेहद कमजोर होती है, तो ऐसे में उनको इस तरह से बेल मिली है। लेकिन अगर वही जो ड्रग्स बरामद किया गया था वो अगर कमर्शियल यूज के लिए होता या कमर्शियल पर्पज के उद्देश्य की मात्रा होती तो जाहिर तौर पर उनको बेल नहीं मिलता। तो दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर थी, यही दलील रखते हुए उनके वकील ने जो है माननीय कोर्ट के सामने रखा, जिसमें कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। बिल्कुल, और इस बीच ये भी सुनने में आ रहा था, ये भी खबर थी सत्यप्रकाश सूत्रों के हवाले से, कि एनसीबी उन लोगों तक पहुंच चुकी है जो भारती सिंह और हर्ष को ड्रग्स सप्लाई करते थे, गांजा सप्लाई करते थे, और बाकी कौन कौन से और वो लोग हैं, यानी कि पुख्ता सबूत थे इसीलिए भारती को भी गिरफ्तार किया गया था, उनका कुछ खुलासा हो पाया सत्यप्रकाश? देखिए एनसीबी ने उनके नाम तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये पहले बता दिया था कि हमने दो ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया था, उन्हीं गिरफ्तारी उन्हीं की निशानदेही के आधार पर हमने ड्रग्स मामले में जो है भारती सिंह और उनके पति के दोनों घर में, अंधेरी लोखंडवाला वाला और वर्षा वाले घर में, दोनों में रेड की थी, रेड के दौरान ड्रग्स बरामद किया गया था। तो जाहिर तौर पर एनसीबी ये साफ कह रही है कि दो ड्रग्स पेडलर पकड़े गए थी, उन्हीं के माध्यम से जो है ड्रग्स जो है भारती सिंह के घर पे पहुंचता था। बिल्कुल, और जब वानखेड़े जाते हैं ड्रग्स पेडलर्स को अपनी टीम के साथ, तो वहाँ जो कुछ गहमागहमी हुई वो भी इसी से रिलेटेड था, क्योंकि कई ऐसी सेलिब्रिटी जिनसे पूछताछ हो चुकी है, और अब तो कॉमेडियन भारती सिंह के बाद भी तमाम उनके चाहने वाले जो हैं वो उनका आक्रोश था, ये जो स्थिति देखने को मिली, जो एनसीबी की टीम पर कुछ हमला करने की भी बात आई सत्यप्रकाश? ये घटना जो है कल शाम की है, कल शाम 6 बजे जब एनसीबी मुंबई के गोरेगांव इलाके में ड्रग्स पेडलर को हिरासत में लेने के लिए आई थी, उसी दौरान जो है एक ड्रग्स पेडलर की तलाश थी, जिसमें खबरी ने यह जानकारी दी थी कि दो जो ड्रग्स पेडलर है वो इसी रास्ते से आने वाले थे, उसी रास्ते पे एनसीबी जाल बिछा कर बैठी थी, लेकिन जिस तरह से दो शख्स आए और एनसीबी की कार्रवाई में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसमें दोनों शख्स ने जो है एनसीबी के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि ये पूछने की कोशिश की कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें बताइए। लेकिन क्योंकि जो जब एनसीबी कोई कार्रवाई करती है तो बेहद गुप्त रहती है, एनसीबी ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद जो है उन दोनों शख्स ने एनसीबी के जो दो तीन अधिकारी थे उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश, उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश, जिसमें दो एनसीबी के अधिकारी चोटिल भी हो गए। इसको लेकर जो है पूरे मामला जो है गोरेगांव पुलिस स्टेशन में पहुंचा, एनसीबी ने खुद जो है इस पूरे मामले में शिकायत करते हुए फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। वहीं अभी थोड़ी देर पहले ये डीसीपी चैतन्य ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो तीनों शख्स जो है एनसीबी के साथ मारपीट में या झगड़े में या फिर उस मामले में मौजूद थे उनको गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच की जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश सोनी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।